मैं शिमोना जी के साथ ही करता हूँ। डेजा वो है। ओह माय गॉड, ओह यार। That's not me. सिंगल सिंगल भी। हाँ। No one doesn't know me at all. Fully. है ना? Yeah, exactly. The king. Go for it. Go for it. Yes. आप बताओ। जी मेरे से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो शो है वो वो जो शो है खतरों जो शो है उसमें हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हमें स्टंट करने पड़ेंगे। वो स्टंट वाला शो है ना कि बोलने वाला। तो अगर आप उसको भी वही शो समझ रहे हो, आई थिंक बिग बॉस इज़ अ डिफरेंट शो, खतरों इज़ अ डिफरेंट शो। एक अगर कोई डांस शो हो रहा है वो डिफरेंट शो होता है। तो अगर हम डांस शो में गए, अगर हम वहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं और हम डांस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। आई थिंक अगर हम खतरों में हैं तो हमें स्टंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ना कि हम लड़ाई पे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई एक बार बोल रहा है, दो बार बोल रहा है, निगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता। तो स्टंट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन सिर्फ बोलना। तो मैं तो डेट पे ये कब हुआ? डेट तो तुम रोमेनियन के साथ गए थे? नहीं मैं स्पेशल नहीं हुआ। अभिषेक सब लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं। ये रोमेनियन क्रू के साथ डेट पे गया था। नहीं नहीं, मुझे रोमेनियन लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत ज्यादा भाई, बहुत सुंदर थी यार। मैं लड़कों को तो बता दूं भाई, जाके आना एक बार। सुंदर लड़की आपके काम की थी। शी इज कमिटेड। ओ तो वो हैं अभी। हाँ यार, बहुत सैड हूँ मैं। जैसा आपने कहा कि खतरों, आप भी पूछोगे, सच सच बताओ। जी पूछो। आपने कहा खतरों खिलाड़ी, ये बोलने का शो नहीं, डांस का शो है, स्टंट स्टंट करने का शो है, बट कहीं ना कहीं बोलने से भी काफी इफेक्ट पड़ा है, चाहे आपका और आसिम का, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या आसिम या रोहित सर का हो, तो उसके पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं, थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। सर अगर मैं अभी बता दूंगा तो टीआरपी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट पड़ा है, चाहे ये सब थोड़ा बस बनाने के लिए बताना पड़ेगा। ऑनेस्टली कोई बस मैंने बहुत बनाया हुआ है। बस बस मैंने तो बहुत एंजॉय किया सच में। मैंने तो ट्वीट किसी ने एंजॉय किया। अरे शिमोना जी क्या खा पी के आई हैं यार। नहीं बट आई थिंक, अरे सुनो सोचो। आई थिंक लोग एक्सपीरियंस बनता है और आई थिंक हमारा बैच बहुत सही था। सब लोग बहुत, ये कॉम्पिटिशन है पर सब लोग बहुत मोटिवेटिंग था और सब लोग बहुत दूसरे को सपोर्ट भी किया। और हम बहुत ही पॉजिटिव बंच था जो क्रू, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो एवरी ईयर नए आते हैं। हम जेन्युइनली खुश था जब एक इंसान अच्छा काम किया, और हम जेन्युइनली सैड था जब मे बी यू नो एक साथ कि बहुत मजा आ रहा था। एक इंसान के जाने के बाद तो मजेदार एक्सपीरियंस खुद के लिए बात। सो ये कुछ एक कॉकरोच वॉकरोच लेके आज डालते हैं, है ना? क्या एनी बेटर? शिमोना जी को तो किसी चीज का फोबिया नहीं था भाई। शिमोना जी किसी से नहीं डरती थी। शिमोना जी किसी भी चीज से डरी ही नहीं था इनको। बिल्कुल। अच्छा ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये ओ ये तो कर ही लूंगा। आई डोंट लव इट बट एक्चुअली, और इनको तो था, अगर इनके कॉकरोच वहां पे भी है ना इतनी दूर करेंगे यहीं से। नहीं नहीं, मतलब कुछ फोबिया ओवरकम नहीं हुआ अभी तक कॉकरोच के साथ ठीक नहीं हूँ। पर मतलब मैं बहुत खुश हूँ वो मौका मिला, यू नो, बिकॉज रेगुलर लाइफ में ये सब चीज़ आप कभी नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था, और आई थिंक
आप लोग को बहुत मजा आएगा। हिंदी मैंने सिखाई है और इंग्लिश उन्होंने, इंग्लिश तो मुझे आई, इंग्लिश हम सबकी खराब हो गई इसके और रोमानियन के चक्कर में हमारी इंग्लिश खराब हो गई। लहजा का मतलब बताओ, लहजा का मतलब। तो हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी होती थी, मैं हिंदी में कुछ ऐसा लव्स, जैसे लव्स इसको पता नहीं हो, लव्स यूज कर लेता था, बोलते लव्स का मतलब। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बताऊं, मेरे आसपास कोई है नहीं इंग्लिश में बताने वाला। मैंने कहा तुम तीन चार ऑप्शंस दो मैं तब बताऊंगा कि अच्छा इसमें से ये चूज कर लो आप। अच्छा अभिषेक भाई, जी सर, आप तो लड़कियों को जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं, आप रोहित शेट्टी जी के इंप्रेस कर पाए कि नहीं कर पाए? सर आपको किसने गलत फहमी बताई है लड़कियों को इंप्रेस कर ले? शुमोना जी बहुत झूठ बोल रही है, कहाँ इंप्रेस किया मैंने? सारा आंखें दिखी रही है सारा कहाँ इंप्रेस हुई है? सारा थी एक मेकअप क्रू में, बहुत सुंदर थी वो भी रोमेनियन। मैंने रील भी बनाई है उनके साथ, वो भी कमिटेड। पर इनको इनको देना है, वो बहुत बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, बहुत ट्राई करते हैं। किस पे? सब चीज पे। कई कईयों में मैं ट्राई नहीं करता पर वो खुद ब खुद हो जाता है, मैं क्या करूं। जैसे आप मुंबई लौट के बारिश के गाने पे डांस किए या नहीं? आप गाने बहुत सारे आ रहे हैं बारिश पे, डांस मत हुआ अभी रिसेंटली जो गाना है उस पे डांस। व्हाट आर यू डूइंग? अरे वो डीप बातें चल रही हैं। What is out of context? ये बहुत डीप बातें चल रही हैं। Guys, ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन बाहर प्लीज। One on one please. Yeah, one on one please. सुमना जी जैसे अभी अभिषेक ने कहा है ना, आप स्टंट के लिए एकदम हाँ कह रहे हैं। अरे नहीं यार, when you see the show you'll know. मुझे फोबिया किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे इसको क्रीपी क्रॉलीज या इसको पानी का क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो वैसा कोई पर्टिकुलर फोबिया नहीं था, बट कोई भी स्टंट जो कोई भी नॉर्मल स्टंट नहीं था, सभी डिफिकल्ट स्टंट्स थे करने के, पहले सबकी फटती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कृष्णा ने स्विमिंग खतरों में सीखी है, इसको पहले आती। अरे बना दो। हाँ सही बोला है, जो अभिषेक बोल रहा है बट इस करते करते बेस्ट स्विमर हो गई वहाँ की, सच में। अभिषेक मेरा टीचर है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती भाई, मैं पानी से बॉर्डर एक फोबिया में छोड़ा हूँ, लिफ्ट वाला पानी वाला लेके आया हूँ कि भाई। तुम आज लिफ्ट में आए थे? हाँ कृष्णा के साथ। या एक्चुअली वो लिफ्ट में आया। एनी बेस्ट मेमोरी आप लोग शेयर करना चाहोगे? आई थिंक यू नो जो मुझे बहुत पसंद, एक मिनट यार, जो मुझे बहुत पसंद लगा था, हम सब बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी है पर हम बहुत मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ सबके साथ। तो आई थिंक यू नो जकूजीज एवरीथिंग, या एवरीथिंग जकूजी। वही बोलने लगा था कि मैं फर्स्ट टाइम जकूजी में गया था, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, फिर इसने बताया। कौन सा वाला फील है वो जो अमीरों वाला मैं बोलता था अमीरों वाले जकूजी में जाना, तो हमारे दो थे, एक हमारे होटल में था एक बगल वाले में था, जहाँ पे एक क्रू अमीर लोग रहते थे, हम लोग गरीबों वाला। तो मैं पहली बार अमीरों वाले जकूजी में गया और कृष्णा ने बताया कि इसमें से प्रेशर आता है तो पीठ शोल्डर ये सब ठीक होते हैं, तो मैं तो वहीं बैठा रहता था, मैं क्या वाह क्या लाइफ दे रहे हैं कलर्स वाले। ये आप जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेके आते हो ना यहाँ बैठ के, आप सोचते हो ना पहले बैठ के, अच्छा 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 अब ये बनाती हूँ मैं। हाँ बताइए, झगड़े नहीं मैम, रोहित सर ने एक चीज सिखाई थी कि जो हो गया, जैसे मैं स्टंट परफॉर्म अच्छा नहीं कभी कर पाया तो मैं बहुत सैड हो जाता था कि यार अच्छा नहीं हुआ, तो सर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई, जो हो गया ना उसको वहीं छोड़ दे और आगे बढ़। तो मैंने वो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया कि जो हो गया अगर मेरा लास्ट डे ख़राब है तो मैं उसको साथ में लेके आगे नहीं चलूँगा, मैं एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ट्राई करूँगा, तो मैं वहीं पर छोड़ा। रोहित सर ने इस सीज़न के सारे कंटेस्टेंट्स को कॉम्प्लीमेंट दिए हैं और ये भी कहा है कि बेस्ट यू नो सीज़न रहा है। ये तो वो सीजन है जिसमें हार्डली कोई अबॉर्ट हुआ है, सो हाँ। बट आई थिंक सब आपको 27 जुलाई से ना रात को 9:30 बजे प्लीज देख लेना, आप लोग देख लेना यार एवरी सैटरडे संडे कलर्स टीवी पे।
ये आपको जुलाई 27 every Saturday and Sunday. नहीं ये आपको सितंबर अक्टूबर में चलेगा ये जुलाई से, पर उसके लिए आपको जुलाई से देखना पड़ेगा. Yes, definitely. Okay, last question. पर यस जो आई डोंट नो कौन बोला था पर आई बिलीव ये सीजन यू नो बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स था, तो एंड तक तुमको पता नहीं चलेगा कौन जीत सकता है. सभी ने बहुत अच्छा भी किया है और फिर बहुत बुरा भी किया, पता ही नहीं चलता था कौन जीत जाता है. तो यू नो हर सीजन में आई थिंक लास्ट सीजन में आल्सो क्रू लाइक क्रू भी हमें बोल रहा था कि यू नो डीनो कंसिस्टेंटली बहुत, तो मिडवे थ्रू यू नो, तो वो नहीं होगा इसमें. एवरीवन विल बी सिटिंग ऑन द एज कि अब इसने अच्छा किया, अब इसने अच्छा नहीं किया, अब अच्छा किया, अब अच्छा नहीं किया, तो वो तो स्टंट्स में भी मजा आएगा और आपको ड्रामा भी दिखेगा. तुम भी थी ड्रामे में. थैंक यू. थैंक यू.